सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा पंचमी में संस्कृत विषय में षष्ठ पाठ पढ़ेंगे, उसमें हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, आज हम प्रश्न संख्या चार व कुछ संधि शब्द उनके विच्छेद करेंगे, संधि शब्दों का विच्छेद करेंगे। चौथा जो प्रश्न है उसमें बिना शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी हम बिना शब्द का प्रयोग करते हुए तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वाक्य निर्माण करेंगे। प्रश्न संख्या चार में दो शब्द दिए गए हैं, जैसे अध्यक्ष और सभा। इन शब्द का प्रयोग करते हुए न सोबते, यानी बिना न सोबते का शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो आइए हम ये प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न संख्या चार देखिए, उदाहरण वाक्यानुसारम वाक्यानि रचयतु। उदाहरण में दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य रचना करनी है। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, अध्यक्षेन विना सभा न शोभते, अध्यक्ष के बिना सभा सुशोभित नहीं होती। क्यों? देखिए यहाँ दो शब्द दिए हैं, अध्यक्ष और सभा। ठीक है, तो अध्यक्षेन विना, क्योंकि विना शब्द में, विना शब्द जहाँ आता है वहाँ हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी विना से पहले जो शब्द आता है उसमें हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए विना से पहले अध्यक्ष शब्द आया है, तो ये जो अध्यक्ष शब्द है उसको हम तीसरी विभक्ति एक वचन में बदलेंगे। ठीक है, और सभा का सभा हो जाएगा, तो अध्यक्ष का तृतीय विभक्ति क्या होगा? अध्यक्षेन। अध्यक्षेन क्यों लगा, तीसरी विभक्ति क्यों लगी? विना के कारण, यानी विना शब्द आ गया तो उसके साथ हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी जिसके साथ विना आ गया इसके बिना। ठीक है, और जैसे जो है अध्यक्ष के बिना सभा सुशोभित नहीं होती, वैसे जो है बालकों के बगैर विद्यालय सुशोभित नहीं होता, क्योंकि विद्यालय तो बालकों से ही चलता है। ठीक है, यानी बिना शब्द किसके साथ जुड़ा है? जिसके साथ जुड़ा है उस शब्द के साथ हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस पाठ में आपके स और बिना शब्द दो दिए गए हैं, इन दोनों के साथ तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप समझ गए हैं उदाहरण को देख करके, ये जो दो शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग करते हुए न सोबते, यानी न सोबते शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे दूसरा है पुत्र है ग्रस्त है। ठीक है, पुत्र है और ग्रस्त शब्द आया हुआ है आपके। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पुत्रेण विना गृहस्थम न शोभते। कैसे? पुत्र का तृतीय विभक्ति हो गया पुत्रेण, और बिना शब्द का प्रयोग करना है, और फिर क्या, ग्रस्त है। ठीक है, पुत्र के साथ बिना शब्द का प्रयोग करना है और फिर आगे वाला शब्द लिखना है ग्रस्त है। ठीक है, अब न शोभते, तो वाक्य क्या बना? पुत्रेण विना गृहस्थ न शोभते, पुत्र के बिना जो है घर जो है गृहस्थी सुशोभित नहीं होती। फिर आगे तीसरा गृहिणी ग्रहम, जो गृहिणी जो होती है महिला जो होती है, और घर, यानी महिला के बगैर जो है घर सुशोभित नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हो गया गृहिणियाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, अध्यक्ष पुल्लिंग था पुत्र पुल्लिंग था, इसलिए एन शब्द का प्रयोग हुआ, अध्यक्षेन मित्रेन। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ रे का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ने की जगह णे का प्रयोग हुआ। और गृहिणी जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में ई की मात्रा हट करके, जिस ई की मात्रा हट करके या आ जाएगा, तो णे आधा हो जाएगा और या आ जाएगा। ठीक है, तो गृहिण्या विना ग्रहम न शोभते। ठीक है, अब है लवणम पाक, लवणम यानी नमक और पाके यानी जो खाना है भोजन है वह। ठीक है, अब नमक के बगैर भोजन अच्छा लगता है क्या?
नहीं लगता। तो बिना नमक के खाना अच्छा नहीं लगता, भोजन अच्छा नहीं लगता, तो आपके हो जाएगा लवणेन बिना पाकम न शोभते, यानी नमक के बगैर भोजन शोभा नहीं देता, यानी अच्छा नहीं लगता, सुशोभित नहीं होता, यानी अच्छा नहीं लगना। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे वाक्य बनाएंगे। इस प्रकार हमारे चौथे प्रश्न में जो वाक्य बन रहे हैं वो इस प्रकार है, अध्यक्ष है सभा, अध्यक्षेन बिना सभा न शोभते, पुत्र ग्रस्त, पुत्रेन बिना ग्रस्तम न शोभते, गृहिणी गृहम, गृहिण्या बिना गृहम न शोभते, लवणम पाक, लवणेन बिना पाकम न शोभते, भाषणम संस्कृतज्ञ, भाषणेन बिना संस्कृतज्ञ न शोभते, लज्जा बालिका, लज्जया बिना बालिका न शोभते, दूरभाषा कार्यालयः, दूरभाषया बिना कार्यालयम् न शोभते, विद्या पुरुषः, विद्या बिना पुरुषः न शोभते, व्यवस्था गृहम्, व्यवस्थया बिना गृहम् न शोभते, तिलकम् मुखम्, तिलकेन बिना मुखम् न शोभते, राष्ट्रभक्तः देशः, राष्ट्रभक्तेन बिना देशः न शोभते, सेवाभावः पौरः, सेवाभावेन बिना पौरः न शोभते। इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हो गया। अब देखो बच्चों, इस पाठ में कुछ संधि शब्द आए हुए हैं जो हम यहाँ करेंगे। वो संधि शब्द कौन कौन से हैं, को अपि, इदानीमेव, अत्रेव, अहम अपि। ठीक है, ये चार संधि शब्द हैं जो आपके इस पाठ में आए हुए हैं। अब हम इसके संधि करके देखेंगे। इधर देखिए, को अपि, ये जो अयोग्यवाहक चिन्ह है इसको हम उच्चारण करते हैं तो ए के रूप में उच्चारण करते हैं, यानी ये क्या है, ए है, यानी जब हम बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे। तो हमारा संधि विच्छेद हो गया को प्लस अपि। क्यों, ये जो है अयोगवा है वो ए के रूप में बदल गया, तो हमारा संधि विच्छेद क्या हो गया, को प्लस अपि। आगे है इदानी मेव, इदानीम प्लस एव, एव कैसे आया, ये जो मैं है इसमें किसकी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, यानी यहाँ पर किसकी मात्रा लगी है, ए की मात्रा। जब हम ए जो स्वर है उसको अलग करेंगे तो मैं हलंत वाला हो जाएगा, तो ये मैं हमारा हलंत वाला हो गया, क्योंकि हमने जो है ए स्वर जो है अलग कर दिया, किया कि नहीं किया। तो ये हो गया इदानिम प्लस एव। ठीक है, फिर है अत्रेव, अत्र, अत्र प्लस एव, कैसे, अत्र प्लस एव, यहाँ वृद्धि संधि का ये उदाहरण है, ए की मात्रा हम जोड़ेंगे तो वृद्धि संधि के कारण यहाँ ऐ की मात्रा में ये बदल जाएगा, तो यहाँ संधि होगी अत्र प्लस एव। फिर है अहम अपि, अहम अपि यानी मैं भी, अहम म, महलंत वाला आता है अहम में, और यहाँ मैं है पूरा, इसका मतलब इस मैं में क्या है, अस्वर मिला है। ठीक है, उस मैं से हम अस्वर निकाल लेंगे, ये अस्वर निकाल लिया, फिर आगे क्या बचा, अपि, क्या बचा, अपि, तो यहाँ क्या हो गया, अहम प्लस अपि, ये हमारा
संधि विच्छेद हो गया, यानी मैं ए है तो ए स्वर को अलग कर दिया और आगे वाला जो वर्ण है वो लिख दिया, तो संधि हो गई अहम प्लस अपि। ये तो इस पाठ में आए हुए कुछ संधि शब्द है। इन शब्दों का संधि विच्छेद इस प्रकार हुआ, को प्लस अपि, को अपि, इदानीम प्लस एव, इदानी मेव, अत्र प्लस एव, अत्रेव, अहम प्लस अपि, अहम अपि। ये संधि विच्छेद है, कुछ शब्द हैं जो आपके पाठ के बीच में आए हुए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। आज के गृह कार्य में प्रश्न संख्या 4 व 5, पांचवा है आपके प्रश्न संधि विच्छेद करना है इसमें, ठीक है। यानी चौथा पाठ के चौथे प्रश्न में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो, और पांचवे प्रश्न में संधि विच्छेद करना है। यह प्रश्न संख्या 4 के उत्तर हैं, जैसे आपको दिया जा रहा है वैसे ही व्यवस्थित रूप से करना है। यह आपके संधि वाला प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जा चुका है, इसे व्यवस्थित अपनी कॉपी में करना।